के साथ बड़ी खबर पर नजर डालेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हरदोई से बता रहे हैं, जहां से दिल दहलाने वाली घटनाएं सामने आ रही, क्योंकि पिछले 12 घंटे में जो है 4 वारदातें यहां पर हो चुकी है। बड़ी खबर हरदोई से बता रहे हैं, जहां पिछले 12 घंटे में 4 वारदातों से हरदोई शहर पूरा दहल चुका है। सबसे पहले तो शाहबाद कोतवाली क्षेत्र में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, उसके बाद पाली थाना क्षेत्र में व्यक्ति ने खुद को गोली मार ली। वही तीसरा मामला लोनार कोतवाली क्षेत्र में हर्ष फायरिंग के दौरान युवक को गोली लगने से वो घायल हो गया। वहीं कासिमपुर थाना क्षेत्र के जंगल में महिला का शव मिला। तो एक ही दिन में 4 बड़ी घटनाएं हरदोई में देखने को मिली है, और अलग अलग थाने क्षेत्रों की घटनाएं, जिसकी वजह से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरदोई से, जहां एक ही दिन में 4 वारदातें यहां पर घटे। तो ये अलग अलग थाना क्षेत्र की घटनाएं हैं, बता दें शाहबाद, पाली, लोनार और कासिमपुर में अलग अलग वारदातें हुई है। ऐसी वारदातें सामने आने के बाद दहशत का माहौल है लोगों के दिलों में, क्योंकि शाहबाद कोतवाली क्षेत्र में सबसे पहले तो गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई, उसके बाद बात करें पाली की तो पाली थाना क्षेत्र में भी एक व्यक्ति ने खुद को गोली मार ली। वहीं कासिमपुर क्षेत्र में जंगल में एक महिला का शव मिला है, और लोनार कोतवाली क्षेत्र में हार्श फायरिंग के दौरान युवक घायल हुआ है। तो 4 अलग अलग थाना क्षेत्रों से 4 अलग अलग वारदातें सामने आई, जिसमें चारों ही लोगों की मौत हो गई है। मौत के कारण भले अलग अलग हो, मगर इन सब वारदातों से जो है इलाके में दहशत का माहौल है। खबर आपको हरदोई से बता रहे हैं। आपको बता दें कि 12 घंटे में, महज एक दिन भी नहीं, 12 घंटे में 4 ऐसी वारदातें सामने आ गई है, जिससे दहशत का माहौल देखा जा रहा है। चारों लोगों की मौत हो गई है अलग अलग थाना क्षेत्रों में। चलिए इसी के साथ इस खबर पे हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं हरदोई से। संदीप, हरदोई से काफी दिल दहला देने वाली खबर आ रही है, जहां 12 घंटे में ही 4 वारदातें जो है हुई है। अलग अलग हरदोई जिले की अलग अलग कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 4 घटनाएं सामने आई हैं। ये 4 घटनाएं, सबसे पहली तो घटना हुई थी शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के